मित्रों छठ पूजा को लेकर के कमला पुल पर छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कमला नदी के किनारे प्रत्येक वर्ष छठ पूजा का आयोजन होता रहता है और घाट को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और कल जो है संध्या अर्घ दिया जाएगा सूर्य भगवान को और अगले दिन भगवान भास्कर को भी अर्घ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कमला नदी में छठ पूजा की तैयारी धूमधाम से कर ली गई है और बगल में ही बैरेज का निर्माण किया जा रहा है, जो अभी उसके ठीक बगल में ही छठ घाट बनाया गया है और अभी जो है यहाँ मेन गेट की तैयारी की जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में। और बगल में ही पिछले वर्ष भी भगवान भास्कर की प्रतिमा का स्थापना यहाँ हुआ था और इस बार भी अभी तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं कि इसी में प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, अभी जो कार्य है वो किया जा रहा है। कमला नदी के पश्चिमी तट का यह दृश्य आप देख रहे हैं। आइए आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो उत्तर की ओर है। कमला पुल नेशनल हाईवे का यह तस्वीर, प्रत्येक वर्ष धूमधाम से यहाँ छठ पूजा होता रहा है। बगल में ही सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल बॉर्डर है और जस्ट बगल में कमला नदी है जो नेपाल से आती है और यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी आपको दिखाते हैं उत्तर की। तो आप देख सकते हैं कि छठ पूजा में जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और पंडाल पूरी तरह से बनकर तैयार है। यह उत्तर साइड की तस्वीर है और नदी का पानी भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ है। घाट में यदि आप छठ पूजा कर रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था का ज़रूर ध्यान रखें और पटाखा जो है छठ घाट से थोड़ा दूरी पर फोड़े ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो छठ पूजा पंडाल की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, आगे बने रहिएगा लवली हिंदुस्तान के साथ और आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।